आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बाहर का जंक फूड और तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये अनहेल्दी होती हैं, क्योंकि इनमें खराब और घटिया क्वालिटी का तेल यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ऑयल इस वक्त आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज हो रहा है वो कितना हेल्दी है? खाना बनाने के लिए आखिर कौन सा तेल सबसे बेहतर है, इस बात का कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। और ऊपर से टीवी पर आने वाले अलग अलग तेल की एडवर्टीजमेंट हमारी उलझन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि टीवी एड्स में दिखाई जाने वाला हर तेल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, बल्कि इनमें से कई तेल जो काफी फेमस भी हैं, वो बाहर के तेल से भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। अगर हम घर पर सही तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो घर के तेल से बना हुआ खाना बाहर के खाने की तरह ही हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि गलत तेल न केवल वजन को बढ़ाता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों और कमर में दर्द, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, यहाँ तक कि कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी गलत तेल के कारण ही हो सकती हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपकी किसी हेल्थ प्रॉब्लम का मेन रीजन घर में इस्तेमाल होने वाले तेल हो और आप इस बात से पूरी तरह अनजान हो। अगर ऑयल की टाइप की बात की जाए तो आपने प्योर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोल्ड प्रेस यानी कि कच्ची घानी तेल, वर्जन और एक्स्ट्रा वर्जन जैसे कई नाम सुने होंगे। इन सभी में क्या फर्क है, इनमें से कौन से तेल सेहत के लिए सबसे खराब है? आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि सोयाबीन से लेकर मूंगफली तक डीप फ्राई करने, सलाद में डालने और अलग अलग मौसम के हिसाब से हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तेल हमारी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है जिसका इस्तेमाल हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहले बात करते हैं उस तेल के बारे में जो हमारी सेहत के लिए खराब है, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों, ये सभी तेल बाजार में रिफाइंड ऑयल के नाम से बेचे जा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए बीज के छिलके सहित तेल निकाला जाता है। तेल की रिफाइनिंग प्रोसेस में केमिकल का यूज किया जाता है और इस दौरान जब तेल को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इसमें से कई विटामिंस और मिनरल नष्ट हो जाते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस तेल निकालने का सबसे तेज तरीका है जिसे न सिर्फ न्यूट्रिशन बल्कि तेल का ओरिजिनल टेस्ट, खुशबू और कलर भी पूरे तरीके से बदल जाता है। आमतौर पर तेल थोड़ा चिपचिपा होता है क्योंकि इसमें जरूरी फैटी एसिड मौजूद होते हैं। रिफाइंड ऑयल में ये फैटी एसिड ना के बराबर होते हैं, इसलिए तेल चिपचिपा भी कम होता है। इतना ही नहीं, तेल लंबे समय तक खराब ना हो सके इसलिए रिफाइंड ऑयल में प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं। इस ऑयल का कभी भी इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं कि खाना बनाने के लिए सबसे बेहतर और सबसे हेल्दी ऑयल कौन से होते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल या वुडन प्रेस्ड ऑयल भी कहा जा सकता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, मतलब ज्यादा आंच पर तेल को गर्म करने पर इसके न्यूट्रिशन कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सेहत के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बीज को धीरे धीरे दबाकर उसका तेल निकाला जाता है। ये प्रोसेस सबसे बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसकी वजह से कोल्ड प्रेस्ड फैटी एसिड, प्रोटीन और ओमेगा 3 जैसे कई न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। आइए जानते हैं कुछ सबसे बेहतर ऑयल के बारे में जिनका यूज हमें डेली बेसिस पर करना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में सबसे पहले ऑयल आता है सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल यानी तिल्ली के तेल में कई एंटीऑक्सीजन प्रॉपर्टीज होती है। ये जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन बी का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। स्मोकिंग पॉइंट होने के कारण इस तेल का यूज डीप फ्राई से लेकर शैलो फ्राई के लिए भी किया जा सकता है और साथ ही साथ ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। कोल्ड प्रेस ग्राउंड नट ऑयल यानी कच्ची घानी मूंगफली का तेल प्राकृतिक मिठास और स्वाद से भरपूर होता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट को मजबूत बनाता है। दूसरे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के मुकाबले ग्राउंड नट यानी कच्ची घानी मूंगफली का तेल सस्ता होता है, डेली यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है जिसे शरीर के टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। सरसों के तेल में मोनो अनसेचुरेटेड और पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी होता है। ये दोनों फैटी एसिड मिलकर खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल के लेवल को कम करते हैं और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल के स्तर को बढ़ाते हैं। स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण इसे डीप फ्राई से लेकर हर तरह के कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल,
ऑलिव ऑयल विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं को रेडिकल डैमेज से बचाता है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, और साथ में ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, इसलिए इसका हल्का फ्राई पराठे सेकने सब्जियां बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल भी कुकिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है। ओरिजिन नामक तत्व होने की वजह से इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण होते हैं। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि कोकोनट ऑयल का रोजाना सेवन करने से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से दूर रहती है। कोकोनट ऑयल का एक यूनिक फ्लेवर होता है, इसलिए इसका बेकिंग से लेकर अलग अलग स्वीट डिशेस में भी यूज किया जा सकता है। साथ ही कच्चे नारियल तेल के भी अनेकों फायदे हैं। वीडियो में बताए गए सभी तेल का इस्तेमाल न सिर्फ हमें गंभीर रोगों से दूर रखेगा, बल्कि हमारी सेहत को पहले से ज्यादा बेहतर बनाता है। किसी भी तेल का इस्तेमाल करते समय हमें कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ अच्छा तेल भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। रीयूज ऑफ ऑयल। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम किसी चीज को डीप फ्राई करते हैं तो आखिरी में कढ़ाई के अंदर कुछ तेल बच जाता है। ये बचा हुआ तेल हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि तेल को बार बार तेज आंच पर गर्म करने से धीरे धीरे उसमें मौजूद जरूरी न्यूट्रिशंस कम होने लगते हैं, और ऐसा तेल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसलिए जले हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल ना करें, तेल बदलते रहें। सभी तेल में अलग अलग न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें खाना बनाने वाला तेल हर 3 से 4 महीनों में बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा तेल की तासीर भी अलग अलग होती है, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू सीजन यानी कि मौसम के हिसाब से कुकिंग ऑयल में बदलाव करते रहना चाहिए। तेल की मात्रा। एक आम व्यक्ति को एक दिन में 20 ग्राम से ज्यादा तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में हम कई बार एक ही दिन में ज्यादा तेल खा लेते हैं, खास करके किसी स्पेशल ओकेजन पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं। नमकीन से लेकर सभी तरह के प्रोसेस या पैकेट में मिलने वाली चीजों में काफी ऑयल पाया जाता है, इसलिए हमें अपने डेली ऑयल कंजप्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ और बेहतर लाने के लिए। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहे। मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी कल, मेरा इंतजार करिएगा। धन्यवाद।